विचारणं कारिगर्वां सर्वभेगाधिल लिखितं खलु। एक समय अयोध्याने समीते सुरत शहर ना अंदर रहनारा अने डायमंड ने जोनारा एवा सर्व कारीगर वायो डायमंड जोई रह्या छे। एवामां एक कारीगर पोताना आत्मा टिफिन नुं डबलू आत्मा लईने फरतो निकळ्यो हतो। त्यां जईने जोयुं तो एक कारखानानी अंदर सर्व कारीगर वायो भेगा थईने कटोरा साथे वळ खाई रह्या हता। त्यां कारीगर भाई जईने शेठजीने पूछ्यु, हे शेठजी आप आ शुं करी रह्या छो अने आ करवाथी शुं लाभ थाय छे ते मने विस्तार थी कहो, कहे छे। त्यारे शेठजी बोला के शेठजी वाच। शेठजी कहे छे के हे युवान कारीगर आ लोको अहीं हीरा घसी रह्या छे, ते हीरा घसवाथी पैसा धन दौलत मळी रहे छे। तो कारीगर भाई पूछ्यु को, हे शेठजी आप मने विस्तार थी कहो के आ डायमंड कई रीते घसाय छे अने केटला को। त्यारे शेठजी बोल्या के हे कारीगर आ डायमंड एक कटोरा मां आवे सारी अने પોતાને શરીર ઉપર ઘસવામાં આવે છે, તે ઘસવાથી ઘણો લાભ થાય છે। તો કારીગર કહે છે, હે શેઠજી આપ મને વિસ્તાર થી કહો કે આ ઘસવાથી શું શું ફાયદા છે અને શું શું લાભ છે તે મને વિસ્તાર થી કહો। ચિત્તન રેવા ખંડે કારીગર નિમિત્તે પ્રથમ અધ્યાય સર્વ પરિપૂર્ણમ। कृष्ण कन्या